इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस देश को बराबर अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और अपने देश की सेना पर गर्व है। मैं मानता हूं 1998 में भारत ने जो छलांग भारत का परमाणु परीक्षण करके लगाई थी, उसी तरह की लंबी छलांग 23 अगस्त 2023 को मिशन चंद्रयान की सफलता के साथ भारत ने एक बार और लगाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारत अब यह चांद पर पहुंच गया है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया है। चंद्रयान 2 जिस समय विफल हुआ था तो उस समय हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी यह कहते थे यह क्या हुआ है, तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन उस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों से जाकर उन्हें गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की थी। और आपने देखा कि इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में यह कामयाब हुआ है। भारत चांद पर तो पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान सूर्यान 11 अब वह भी सूर्य के नजदीक पहुंचना चाहता है। वैसे हम सूर्य से अभी काफी दूर हैं। कांग्रेस दबी जुबान से इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देश का मूड देखती है, आप जैसे लोगों का मूड देखती है, तो वह चुप्पी साध लेती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान चंद्रयान सूर्यान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है और दुनिया को आश्चर्य है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कम बजट में भारत ने मंगलयान तैयार कर लिया, चंद्रयान मिशन को पूरा कर लिया, सूर्यान मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबके कारण यह नए भारत की आवाज है, यह नए भारत की ताकत है जो कहती है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान और हमारा भारत महान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।